जय हिंद सभी को। जितने भी बच्चे ऐसे जीडी के जो पेपर देखे आए हैं और जिनका अब पेपर है, उनमें सबसे ज्यादा संशय ये है कि सर पेपर कैसा रहा, पिछली बार की तरह ही रहा, कुछ लेवल बढ़ा या घटा। मैं आपको बता दूं, अब तक तो जितने भी शिफ्टें हुई है उनके अनुसार भी, और मैंने पहले भी बताया है कि SSC GD का जो लेवल है बिल्कुल इजी लेवल आता है। अगर आपने रिव्यू सुन लिए होंगे, वैसे अगर आपने नहीं सुने तो मैं आपको बता दूं, अब तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं सब में मैथ्स और रीजनिंग का लेवल कुछ हार्ड नहीं रहा है। सबसे जो हार्ड क्वेश्चन बताते हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट को बताते हैं, ध्यान रखना। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हार्ड इसलिए बताते हैं बच्चे क्योंकि उस क्वेश्चन की लेंथ अच्छी आती है, यानी लंबा क्वेश्चन होता है, फिर कुछ हिसाब से वही बच्चा जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा है वो आसानी से उनको सेट कर देता है, बाकी सबके लिए मुश्किल आती है। लेकिन पेपर का लेवल कैसा आ रहा है तो मैं आपको यहाँ एक एडवाइस कर दूं, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, कि आप इस समय प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लेना, हू पेपर है पहले के जो पेपर SSC GD के उन्हीं को लगाना, बाकी मॉक के बजाय। प्रीवियस ईयर के जितने ज्यादा आप अगर मॉक टेस्ट लगाओगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी करेक्ट रहेगी, उसी लेवल का पेपर है, लेवल में कोई बदलाव नहीं है, कोई पैटर्न चेंज नहीं है, सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी मतलब उसमें एडिशनल चीजें नहीं है, चाहे वो हिंदी ले लो, जीके ले लो, मैथ और रीजनिंग। स्पेशली मैथ और रीजनिंग का तो बहुत आसान पेपर आ रहा है। ये है कि अगर कोई बच्चा ये सोच के जा रहा है कि मैं मैथ के ज्यादा नहीं तो 15 क्वेश्चन करूंगा, वो बच्चा भी कम से कम 19 से 20 क्वेश्चन बना के आ रहा है इस समय मैथ तो मैथ के, ठीक है, सेम रीजनिंग का हाल है। इसलिए कि SSC GD कभी भी लेवल नहीं बढ़ाती है, 80 क्वेश्चन सबसे जरूरी आपके लिए क्या है, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, 80 के 80 क्वेश्चन को अटेंड करना आपके लिए जरूरी है। पहली सीढ़ी आप तभी चढ़ जाओगे जब आप 80 के 80 क्वेश्चन अटेंड कर लोगे। सब समझ गए बात को, सबसे जरूरी क्या है, 80 क्वेश्चन आपको अटेंड करना सबसे जरूरी है। अगर आपने 80 के 80 क्वेश्चन देख लिए तो बहुत अच्छे चांस होंगे आप इस बार सिलेक्शन ले लोगे। क्यों? क्योंकि पेपर बहुत आसान आ रहा है। अगर आपने 3-4 महीने भी अगर दिल से, अगर आपने 90 दिन भी तैयारी की है तो मेरी गारंटी आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, अगर आपने दिल से 90 दिन भी तैयारी की है। और हाँ, कट ऑफ का भी मैं आपको बता दूं, कट ऑफ ज्यादा नहीं रहेगी, पेपर का जो लेवल डाउन रहता है इसलिए आपको अंक ज्यादा नजर आते हैं। कई बच्चे नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में अभी भी फंस गए हैं, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर का उसको ज्यादा नहीं मानना, अपने रो मार्क को ही ज्यादा प्रमुखता देनी है, ठीक है, बाद में नंबर पड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन इस समय आपके लिए जो जरूरी है वो है जो पेपर अटेंड कर रहे हो वो। तो जितने भी बच्चों का पेपर अभी नहीं हुआ है, जो उम्मीद कर रहे हैं कैसा पेपर आया, मैं आपको बता दू कोई चेंजेस नहीं है, पहले जिस प्रकार के क्वेश्चन आते थे सेम वैसे क्वेश्चन है, उन्हीं टॉपिक से, कोई नए टॉपिक नहीं जुड़े हैं, सेम ओल्ड पेपर लगा लो। आप तो प्रीवियस ईयर 2023 की हमारी एक बुक है, आप उसको लगा लो, ये कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन पर प्रीवियस ईयर का अलग से टेस्ट पेपर दिए हुए, उनको लगा लो, जो एप्लीकेशन है उसमें बिल्कुल फ्री है वो लगा लो, या कहीं और से भी आपको मिलते हैं, बस प्रीवियस ईयर लगा लो आप, उससे आपका काम हो जाएगा। बहुत आसान पेपर आ रहा है, ठीक है, बहुत आसान पेपर आ रहा है, कोई हार्ड पेपर नहीं है। मैथ रीजनिंग की अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए, पूरे के पूरे क्वेश्चन उड़ाओगे और इस बार आप नंबर ले आओगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ, काफी बच्चे चिंतित है। हाँ, वो सबसे ज्यादा जरूरी, आपको पेपर एनालाइज में अपना ज्यादा समय खराब नहीं करना, एक बात प्रमुख रख लो, ओल्ड पेपरों को मिला लो बस। ज्यादातर बच्चे इस समय एनालाइज देखते रहते हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, मान लो एक पेपर का भी देखोगे 2 घंटे, ऐसे दिन में 4 पेपर हुए, 8 घंटे आपके इसमें खराब हो गए। ये खराब नहीं करना, इस समय आपको करंट जीके पढ़नी है, साथ ही अपना रिवीजन चलाना है जिन बच्चों का आगे की डेटों में एग्जाम है, ठीक है, और साथ में एक ओल्ड पेपर लगाना है मॉक टेस्ट के रूप में, बस ये काम करना है। एनालाइज ज्यादा नहीं देखना है, एनालाइज क्योंकि जो क्वेश्चन आ गया वो रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और क्या देखोगे, जब सेम टॉपिक है, मेन बात है कुछ भी नया नहीं है, सेम 2023 का पेपर था, उसको उठा लेना, इसको उठा लेना, कोई बदलाव नहीं है, लेवल उसके बराबर का है। हाँ, कुछ एक शिफ्ट ऐसी आएगी देखना जिसमें मैथ और रीजनिंग हार्ड आएगी, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा, उसमें जीके बहुत ईजी आ जाएगी, हिंदी बहुत आसान हो जाएगी। कुल मिला के कुछ नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं बदला है, पूरे दिन यूट्यूब पर एनालाइज देखने में मत लग जाना, समय खराब मत करना, इस समय आपका करंट जीके पढ़ने का सबसे अच्छा समय है, इस समय आपको करंट जीके पर ज्यादा फोकस करना है, बढ़िया से करंट जीके पढ़ो, रिविजन डालो, बढ़िया से मैथ और रीजनिंग में कुछ टॉपिकों के जो फॉर्मूले वो याद करो, इस समय अपनी तैयारी को निखारने का समय है, एनालाइज बैठ के देखने का समय नहीं है, दूर हो जाओ एनालाइज से, बस मेन बात बता दिया। ओल्ड अगर तुमको देखना है SSC 2023 का पेपर देख लेना, और चारों शिफ्टों का मैं रात को लाइव लेके आऊंगा एनालाइज, वो देख लेना 10 से 15 मिनट का, बात खत्म, एक क्लास में आपका सारे चारों शिफ्टों का करा दूंगा मैं, हर शिफ्ट को आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है लाडो, जय हिंद जय भारत।